नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इमरान ने पूरी तरह धृतराष्ट्र मॉडल अपना लिया है। एक तरफ फंड ट्रांसमिशन के लिए लंगोट कसे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वायरस ट्रांसमिशन भी हो रहा है। लोंडा अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर चुका है, पुरानी सलवार निकालकर पाकिस्तानियों के कंधे पर टांग दी है, जिसका बोझा पूरी मदरसा कौम ढो रही है। इमरान लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान भी कर रहे हैं और इस बात से भी उनकी फाड़ रहे हैं कि कोरोना वायरस तेजी से बढ़ सकता है, पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकता है। यानी लंगड़े गधे की चौथी लात को देखने के लिए पूरा पाकिस्तान तशरीफ पासवान की तरफ किए खड़ा है। पर इसके साथ ही पाकिस्तान में एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। गरीबों के लिए बनाए गए 6000 यूटिलिटी स्टोर पर ताले पड़ गए हैं। इन स्टोर से निम्न और मध्यवर्गीय परिवारों को अनाज, दालें, चाय, चीनी जैसी वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलती थी, मगर इमरान ने रमजान शुरू होने से एक दिन पहले इन पर ताले लगाने का आदेश दे दिया है। पहले से ही भूख से मर रहे पाकिस्तानियों की हालत अब और भी खराब होने जा रही है। खास बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर के बंद होते ही बाजारों में भी महंगाई का तूफान आ गया है। खजूर के दामों में 80 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया, टमाटर 100 रुपए किलो और प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 60 रुपए प्रति किलो के पार जा पहुंचा है, जबकि हरी मिर्च 160 रुपए किलो हो गई है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू भी 160 से ऊपर पहुंच गई है, जिससे महंगाई का यह तूफान और हाहाकारी होने वाला है। बड़ी बात यह है कि इमरान जनता से भीख मांग रहे हैं, जबकि जनता पहले ही खाली कटोरे की थाप पर गधैया नृत्य कर रही है। कोरोना वायरस का कहर जहां मदरसा जमात का बैंड बजा रहा है, वहीं अचानक से बड़ी महंगाई ने तहमंद गीले कर दिए हैं। पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान ने कोरोना वायरस के लिए पाकिस्तानियों के आगे गिड़गिड़ा कर जो भीख मांगी थी, उसमें भी 150 करोड़ रुपए का गबन हो गया है। बड़ी बात यह है कि इसके आरोप खुद इमरान खान पर लग रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तानियों को उल्लू बनाने वाले इमरान और उसके मंत्रियों ने अपनी जेब से इस फंड में एक पैसा भी नहीं दिया है, उल्टे देश विदेश से आए इस फंड में से 150 करोड़ रुपए उड़ा लिए। यह पैसा कहां गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पर इससे भी बड़ा घोटाला तो कोरोना वायरस से लड़ाई के नाम पर हुआ है। इमरान खान ने 200 अरब रुपए के राहत पैकेज में से 4 सूबों को दी गई मदद को किसी भी तरीके से खर्च करने की छूट दे दी है। यानी इन सूबों से इसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, जिसका मतलब यही है कि यहां मिली भगत करके पैसे की बंदरबांट हो रही है, जबकि जनता फटा तहमंद लेकर मदरसों के आगे अजान कर रही है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों ने जोरदार छलांग लगाई है। अब तक यहां 11,940 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 254 तहबंद छाप एफिल टावर की चोटी पर जा लटके हैं, यानी हुर मिलन के अभियान में शामिल हो चुके हैं। कल पाकिस्तानी आर्मी ने भी इमरान सरकार को बड़ा झटका दे दिया। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान के फैसलों को पलट दिया। आईएसपीआर के डीजी ने पाकिस्तान में लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इमरान ने लॉकडाउन में नरमी की घोषणा कर दी थी। आर्मी के हस्तक्षेप के बाद इमरान सरकार की कमजोरी भी सामने आ गई है और साबित हुआ है कि इस मुल्क में फौजी प्रोक्स रूप से शासन चला रही है। इमरान द्वारा उठाए गए सारे कदमों का श्रेय लेने के लिए फौज ने अपनी ताल ठोक दी है। दरअसल पाकिस्तानी फौज भी कोरोना वायरस के नाम पर मची पैसे की लूट में शामिल होना चाहती है, खासतौर से राहत पैकेज और प्रधानमंत्री फंड की अब फौज अपने हिसाब से बंदरबांट करेगी। इमरान खान के गिड़गिड़ाने पर विदेशों से जो भीख आई है, अब फौज उस रकम को अपने अधिकार में लेने जा रही है। इससे पहले तक पाक आर्मी हाशिए पर चल रही थी, पूरे पाकिस्तान में उसको लेकर अधिक चर्चा नहीं थी, जिससे फौज को अपनी अहमियत बताना जरूरी हो गया था। हालांकि इमरान द्वारा पाकिस्तान में सब कुछ सही दिखाया जा रहा था, ऐसे में इस वक्त पाक सेना ने हस्तक्षेप करके न केवल इमरान सरकार को घुटने पर ला दिया है, बल्कि हुकूमत को अपनी ताकत से भी परिचित करा दिया है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।